फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद टाइगर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ा देती हूँ उसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की, ताकि आपको आपके पेट एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प मिले। तो अगर आपको मेरी ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है, सारे हिंदी और ये सारे यूपी स्पेशल और ऑल का, तो अगर प्लीज़ आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए और शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका सपोर्ट दिख नहीं रहा है, प्लीज़ सपोर्ट करिए प्लीज़। चलिए ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन के साथ। क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो क्वेश्चन नंबर एक के अनुसार कि राष्ट्रपति कब किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है, तो ऑप्शन देख लेते क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए है 80B, और ऑप्शन बी है 60B, ऑप्शन सी 70A, ऑप्शन डी 90C। तो इसमें जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 80B इज राइट आंसर। ओके चलिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर टू ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है, भारतीय संघ में है, ये एक्चुअली जब का ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन पहले के हिसाब से है, जब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे, बट अभी आपको पता है कि 29 है, और जो है अभी जम्मू कश्मीर को ऐड कर लिया गया है, तो इसलिए वो उसमें ये क्वेश्चन पहले का है, तो अभी आप 29 स्टेट करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान क्वेश्चन नंबर टू देख लेते हैं। भारतीय संघ में है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 22 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी 25 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी 24 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश, और ऑप्शन डी 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ चलते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया? तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया, तो चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए कह रहा है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है, 42वें संवैधानिक संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया? ठीक है, 42वें जो संवैधानिक संशोधन में जो संशोधन हुआ था उसमें कौन कौन से वर्ड जोड़े गए हैं ये कह रहा है, तो देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है व्यक्ति की गरिमा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बंधुत्व बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी प्रतिष्ठा व अवसर की समानता, ऑप्शन नंबर डी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फाइव देख लेते हैं। फाइव कह रहा है, भारतीय संविधान का प्रारूप बहुत कुछ कहाँ से लिया गया है? बहुत कुछ कहाँ से लिया गया है, मतलब ऐसा बहुत सारा मतलब एक्ट है जो कहाँ से लिया गया है, ये कहने का मतलब है कौन सा, मतलब बहुत कुछ मोस्टली चीज़ें कहाँ से ली गई हैं ये कह रहा है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या कह रहा है। ऑप्शन में ये है
ए ऑप्शन है 1935 के अधिनियम से, बी कानूनी समिति से, और सी गांधी जी के विचारों से, ऑप्शन नंबर डी नेहरू जी के विचारों से। तो इसमें ऑप्शन नंबर 5 में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही। 1935 के अधिनियम से बहुत सारी चीज़ें ली गई हुई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? तो ऑप्शन में दिया हुआ ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी संविधान सभा, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो निर्माण किसने किया? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा ने, भारतीय संविधान करण वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेवन नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की संविधान सभा के अंतर्गत झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? भारत की संविधान सभा के अंतर्गत झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। डॉक्टर बी आर अंबेडकर, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है जे बी कृपलानी, डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जे बी कृपलानी जी को झंडा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था उस टाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? जो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति थी उसके सदस्य कौन थे? तो ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए दिया हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी महात्मा गांधी, डी ए के अय्यर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी ए के अय्यर। ठीक है, ए के अय्यर हो जाएगा। चलिए 9 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? ठीक है, ऐसा कौन सा अधिकार है जिसको जो है भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ए है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, बी है समानता का अधिकार, सी है भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और डी है संवैधानिक विचारों का अधिकार। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है, पूछ रहा है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है। ए दिया गया है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से, बी पटना स्थित संग्रहालय से, सी कलकत्ता स्थित संग्रहालय से, डी गया स्थित बौद्ध विहार से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये मोस्टली पता होगा लोगों को बट ये बहुत रिपीट क्वेश्चन आता रहता है बार बार, ऑप्शन नंबर ए सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए मुंडको उपनिषद से, महाभारत से, रामायण से, अर्थशास्त्र। तो इसमें जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, कई बार ये आ चुके हैं, तो मुंडको उपनिषद से राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब मान्यता दी गई? जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको कब मान्यता दी गई भारतीय संविधान द्वारा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी 22 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 जुलाई 1947 को संविधान द्वारा इसकी मान्यता दी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। भारतीय ध्वज में क्रमानुसार ऊपर से नीचे की ओर रंग है,
ये कलर का पूछ रहा है, जो फ्लैग हमारा होता है उसमें कौन कलर सबसे पहले ऊपर है फिर नीचे है, ये तो मोस्टली सबको पता होगा, बट एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सफ़ेद हरा केसरिया, बी दिया हुआ हरा सफ़ेद केसरिया, सी दिया हुआ है केसरिया सफ़ेद हरा, और डी दिया हुआ नीला सफ़ेद हरा। तो नीला वाला ऑप्शन तो एकदम ही गलत हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है, सबको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर सी केसरिया होता है, फिर सफ़ेद, फिर हरा होता है। चलिए 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 कह रहा है राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात है। लंबाई और चौड़ाई मतलब कितनी लंबी है और कितनी चौड़ी है, जो उसका रेशियो है वो पूछ रहा है। देख लीजिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ। ऑप्शन ए दिया 3:2, बी दिया 2:3, सी दिया है 3:3, डी दिया है 2:2। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3:2 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है थोड़ा सा प्रिंट आपको अच्छा नहीं देखने को मिल रहा है, आई एम सॉरी उसके लिए, बट थोड़ा सा हम वीडियो आपको नहीं दे पा रहे थे तो हम सोच रहे थे आपको कुछ तो दे देते हैं, इसलिए थोड़ा सा आई एम सॉरी अगर अच्छा नहीं स्क्रीन आ रहा है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किस अधिवेशन में अपनाया गया। तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किस अधिवेशन में अपनाया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है हरिपुर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर बी लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर सी बेलगाम अधिवेशन, ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद अधिवेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी लाहौर अधिवेशन, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। प्लीज़ थैंक यू।